अबे सोनू के बच्चे किधर है तू? बाहर निकल। आज तुझे ऐसी जगह मारूंगा कि सुबह तेरी टट्टी असली सुराग ढूंढते ढूंढते पेशाब के रास्ते बाहर आएगी। बाहर निकल। भाई कौन? सोनू बोल रहा हूँ। हाँ सोनू बोल। भाई मेरी फट रही है तो सिल ले। गुड नाइट। काट दिया। हेलो। अबे तू पागल है क्या? यहाँ मेरी हालत खराब है और तू मुझे से सो रहा है। क्या हो गया? क्या बताऊँ यार। अबे बोलना। 3 दिन से मुझे टट्टी नहीं हुई तो मैं केमिस्ट से दवाई लेकर आया। सोचा रात को सोते समय खाऊंगा और सुबह पेट साफ। फिर शाम को हमारे पड़ोस में मिश्र अंकल के बेटे की शादी थी, वहां चला गया। वहां जाके देखा तो शाही पनीर था, दबा के खा लिया। और फिर क्या था, इतना तेज प्रेशर बना कि वहीं तंबू के पीछे बैठ गया। और जब नीचे देखा तो पनीर अंदर ही रह गया, सिर्फ शाही बाहर आ रही थी। फिर वहीं तंबू में पोंछा और बाहर आ गया। और फिर जेब में हाथ डाला तो देखा कि जुलाब की गोली है। काम तमाम कर ही चुका था, अब गोली का क्या काम। फिर देखा कि ट्रे में बहुत सारी ग्लास भरकर कोल्ड ड्रिंक रखी थी। एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक उठाई और दूसरे ग्लास में गोली डाल दी। अबे तू पागल है, ग्लास में क्यों डाली, बाहर कहीं फेंक देता। यार बस मस्ती में डाल दी और घर आ गया। किसी ने गोली डालते हुए तो नहीं देखा ना? नहीं किसी ने देखा तो नहीं, पर वीडियो रिकॉर्डिंग में आ गया। क्या? फिर और कोल्ड ड्रिंक पी किसने? दूल्हे ने। हैं? हाँ भाई, दूल्हा रात भर हॉट सीट पर बैठा रहा और दुल्हन बोर होकर सोने चली गई। बेटा तू तो गया अब। शादी भी टूट गई है, दूल्हे का चाचा मुझे ढूंढ रहा है मारने के लिए। तो तू है कहाँ? मासी के घर पे हूँ। कुछ दिन वहीं रह ले। सपने में भी उसका चाचा नहीं जीने देता। अब मैं क्या बताऊँ भाई, कुछ दिन वहीं रुक जा, जब मामला ठंडा हो जाएगा तो आकर माफी मांग लेना। मेरी तो हालत खराब है। चल अब आराम से सो जा, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। बाय बाय। अबे सोनू के बच्चे किधर है तू? बाहर निकल।